हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं मुंबई स्टाइल वड़ा पाव रेसिपी। तो इसे घर में बनाना बहुत इजी है, तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेती हैं। तो इसमें इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, फिर इसके बाद इसमें जो भुरभुरे वाली बेसन की सिंगदाने की चटनी होती है ना, वो भी इसमें यूज़ करी जाती है। तो चलिए आप सबसे पहले चटनियाँ तैयार कर लेती हैं। फ्रेंड्स, आप ना वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, वड़ा पाव बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमली को भिगो के रखा था, अब इस अच्छे से धो लेंगे और इसे छान कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने इसे दो बार अच्छे से धो लिया है, देख सकते हैं इमली का पानी यहाँ पे अलग हो चुका है। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, और अच्छे सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसे लो फ्लेम में चलाएंगे जब तक कि ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे से लग भी सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चटनी मतलब थिक होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे, चटनी गाढ़ी हो चुकी है, ठंडी होने के बाद ये और थोड़ी थिक हो जाएगी। तो चलिए अब बनाते हैं ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में लिया थोड़ा सा अदरक, थोड़े से लहसुन लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन पुदीने की पत्ती और धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे। पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते को मैं यहाँ पे थोड़ा सा काट लूँगी, ताकि ये जो मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीसने में थोड़ा सा ईजी हो। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो चटनियाँ होते हैं ना वड़ा पाव में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसमें अगर कोई भी चटनी को स्किप करेंगे ना, तो वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो आप ना इन तीनों चटनियों को बनाइए और एक बार वड़ा पाव को ट्राई करिए। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तीखापन देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो ग्रीन चिली, आप चाहे तो तीखा कम भी कर सकते हैं। 2 से 3 आइस क्यूब ऐड करूँगी, ताकि ना इसका जो कलर है ना बहुत ही अच्छा रहे और इसका फीका ना पड़े। तो आइस क्यूब या फिर ठंडा पानी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं पीसने के लिए। चटनी में थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए मैं यहाँ पर आलू भुजिया का यूज़ कर रही। अगर आपके पास सिंगदाना हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली आलू भुजिया, या फिर कोई भी अगर आपके पास सेव भुजिया हो तो आप इसका यूज़ कर सकते। थोड़ा सा इसमें पानी देंगे, फिर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे फाइन पेस्ट कर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ग्रीन चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे ना आलू का जो मसाला है ना, उसे तैयार कर लूँगी। तो उसी मिक्सर ग्राइंडर में मैं यहाँ पर लहसुन ले रही हूँ, लहसुन का मैं यहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आपको आलू का मसाला जिस तरह से बनाना आप बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पर आलू के मसाले में ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, बेसिक से मसालों से आलू का मसाला तैयार करूँगी। इसमें मैंने हरी पत्ते, जो ग्रीन धनिया के पत्ते हैं ना, उसका यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया है। 1 चम्मच धनिया ऐड किया है और 1 चम्मच जीरा ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कर देंगे और इसका थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ना आलू के लिए मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसकर तैयार किया है। अब एक पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लेना है। बस देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक चम्मच ही ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल जैसे गर्म हो जाए, उसमें हम डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, और जैसे ही ये पॉप होने लगे, तब इसमें हमने जो लहसुन और धनिया का जो पेस्ट बना कर रखा था, उसे हम इसमें डाल देंगे। और ना फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा नहीं चलाएँगे, लो फ्लेम में इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। अगर जल्दी मतलब हाई फ्लेम में अगर इसे पका दिया तो जल भी सकते, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा चलाऊंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी ऐड करूँ। हमने इसमें कोई भी मिर्ची ऐड नहीं किया है, क्योंकि पिसते समय हमने ग्रीन चिली का यूज़ किया था, ये ज़्यादा तीखा बन जाएगा। तो अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले जब अच्छे से पक जाए, इसमें हम आलू ऐड करना है। आलू को हमें उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे, फिर इसमें हमें इसको डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे, फ्राई करेंगे, ताकि आलू का जो टेस्ट है अच्छे से निखर कर आ सके। मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है, तो देखेंगे कि आलू का जो कलर है कितना अच्छा आएगा। और हमने इसमें मतलब कोई भी ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो वड़ा पाव का जो आलू रहता है ना, उसमें सिंपल से मसालों में भी वड़ा पाव बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है और मसालेदार नहीं बनाना है।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आलू को हमने अच्छे से मसालों में मैश कर लिया है। यहाँ पे आलू का मसाला बनकर तैयार है, अब इसे अलग रखते हैं। तो चलिए बड़ा पाव की मेन उसकी जो रेड वाली भुरभुरे वाली चटनी, जो सिंग दाना की चटनी होती है, उसे बनाते हैं। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे बेसन ली हूँ। बेसन मैं यहाँ पे एक तो बनाऊँगी वड़ा पाव के लिए, जो वड़ा हमें फ्राई करना है, और जो चटनी सिंग दाने की चटनी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे ना इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग सोडा का ऐड करेंगे, और फिर ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेना है। हमें ज़्यादा इसे ना ही मोटा रखना है ना ही पतला रखना है। तो आप ना इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, अगर हल्दी का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ ना करें, वरना इसका कलर अच्छा नहीं आता है। तो इसे अच्छे से मैं हाथों से मिक्स करें, आप चाहे तो विस्कर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मिक्स करने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है और फ्लफ़ी बनता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मैं हाफ कप पानी ली थी, वो सभी का यूज़ मैं इसमें कर लूँगी। आप ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, ज़्यादा पानी एक साथ ऐड ना करें। तो चलिए अपना ये सिंग दाने की चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें लिया है मूंगफली के दाने, थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, और मैं दो इसमें करूँगी सूखी हुई लाल मिर्च। और हमें इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, लो फ्लेम में इसे पकाएंगे भुनेंगे, ताकि जो बादाम है अच्छे से भुन सके। तो चलिए यहाँ पे ना बादाम भुन कर तैयार हो चुके हैं, अब दूसरी मतलब इसकी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को रख लिया है तेल को गर्म होने के लिए, और हमने यहाँ पे जो बेसन के जो रखे थे उसे इस तरह हाथों से छोटे छोटे इसके बूंदी टाइप का बना लेंगे, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। इसी तरह से हमें मतलब बेसन को तैयार करना है जितना आप चटनी बनाना चाहते हैं। दोनों तरफ से जब ये क्रिस्पी बन जाए तब इसे निकाल लेंगे, और ये जो चटनी है ना क्रंची रहती है, तो खाने में भी ये वड़ा पाव में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैंने दो बैचेस में इसे फ्राई किए हैं। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। अब ना यहाँ पे मैं थोड़े से लहसुन लूँगी और लहसुन को भी इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो लहसुन को ना मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था, वरना ना ये छींटा मारते हैं, तो थोड़ा सा इसे दबा के फोड़ दें तो इससे ना इजी हो जाते हैं इसे फ्राई करने में। हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। तो चलिए मैं अभी गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इसकी जो रेड वाली चटनी भी तैयार कर लूँ। अभी मैं क्या करूँगी ना, सेम मिक्सर जार में इसमें मैं डालूँगी फ्राई किए हुए लहसुन जिसे हमने फ्राई कर लिया था, और इसके बाद ना इसमें हमने जो बूंदी को फ्राई किए थे लंबे लंबे उसे भी इसमें डाल देंगे। जो सफ़ेद तिल और बादाम को भी हमने फ्राई करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे, और मिक्सर जार को हमें पल्स मोड में ऑन ऑफ करते हुए इसे पीस लेंगे। हमें इसका ज़्यादा फाइन पाउडर तैयार नहीं करना है। स्वाद अनुसार भी इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो नमक ऐड नहीं किया था, अब इसका फाइन सा मतलब झुरझुरा जैसा हमें इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इसके बाद ना मैंने यहाँ पे जो चूरा बनाया था ना, मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा था, तो मैं यहाँ पे एक चम्मच और इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया। फिर इसका देख सकते कितना अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ना ग्रीन चटनी, रेड चटनी, और इसकी जो भुरभुरी वाली सेंग दाने वाली चटनी होती है ना, आप इसे घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आलू भी ठंडे हो चुके थे, मैंने इसे चपटे से शेप में इसे बना लिया था, आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आलू जब अच्छे से मतलब ठंडा हो जाए गर्म हो जाए, आप इसे इस तरह से राउंड करके रख करते हुए तेल में छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकती हैं प्रोसेस कितना सिंपल है। आप ना ये जो आलू के चॉप है ना, इसी तरह से भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे हम बना रहे बड़ा पाव, तो हमें बड़ा के लिए मैं इसमें फ्लैट टाइप का वड़े को मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और दोनों तरफ से इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो हमें मैं इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि बाहर तक अच्छे क्रिस्पी बनकर आलू के चॉप बनकर तैयार हो। तो यहाँ पे आलू को मैंने एक पेज फ्राई कर लिया है, और ना इसमें मिर्ची को भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मिर्ची को भी थोड़ा सा कट लगा लेंगे, ना मैं इसे जब फ्राई करूँ तो ये ऊपर तक ना छिटके, तो इस तरह से बीच में थोड़ा सा कट लगा ले, जिससे कि ये फ्राई होने में ईजी हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमने मिर्ची को भी फ्राई तो देख कर लिया सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमारे सिंग दाना की चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, वड़ा पाव, बड़ा और मिर्ची, सभी तरह से जब ना सारी चीज़ें तैयार हो तो बड़ा पाव बनाने में और क्या देरी है। अब तो चलिए बड़ा पाव बनाने हैं, इसे बस इसे अब असेंबल करना है, और ये तो काम बहुत ईजी। आप बच्चे को भी देंगे ना, वो भी इसे बना कर तैयार कर लेंगे।
तो चलिए ब्रेड को ना हमें इस तरह से बड़ा को थोड़ा सा कट कर लेंगे। आप चटनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आपको जो चटनी पसंद हो ना हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ऊपर मैं यहाँ पे दे रही हूँ ग्रीन चटनी और ना नीचे तरफ ना ये जो सिंग दाने की चटनी है ना उसे मैं डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक चम्मच यहाँ पर यूज़ कर रही, फिर इसके ऊपर ना मैं इसमें ऐड करूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस तरह से मैं इसे डाल रही हूँ जिससे कि टेस्ट का टेस्ट सभी तरफ आ सके। बीच में फिर बड़ा रखेंगे और थोड़ी सी मिर्ची रखेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। तो देख सकते हैं ना घर में इसे बनाना कितना ईजी। तो आप ना एक दिन पहले ही सारी चटनियाँ बनाकर तैयार कर लें और आलू का जो मिक्सर बनाए तो आप जल्दी से भी आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बारिश के मौसम में इस तरह से अब चटपटा बड़ा पाव मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से ना हम सारे बड़े पाव को हम रेडी कर लेते हैं सकते। लेकिन बड़ा पाव में ये तीनों चटनी डलती है ना तभी बड़ा पाव का टेस्ट अच्छे से आता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं वड़ा पाव घर में बनाना कितना इजी है। तो और ना मैंने आप इससे पहले भी आपके साथ शेयर की है जिससे कि घर में आप बहुत ही इजी तरीके से पाव बना सकते हैं। तो इसे उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देख सकते तैयार है हमारे यहाँ पे मुंबई स्टाइल बड़ा पाव रेसिपी और ना ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया थे। तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स इस तरह से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।